नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में इजतमा के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें लगभग 20 लाख मुस्लिम धर्म के लोग देश विदेश से आकर शामिल हुए। इसी बीच इजतमा कार्यक्रम से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर कुछ गाँव के लोगों ने कोतवाली के चिंगरावटी थाने को हिंसा के हवाले कर दिया। इस हिंसा ने एक इंस्पेक्टर और एक आम नागरिक को मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद से इस हिंसा को कुछ लोग इजतमा कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं। इसलिए ऐसे में सोशल मीडिया पर इस बारे में किसी भी अफवाह को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि इस हिंसा से इजतमा का कोई लेना देना नहीं है। आइए बताते हैं इस हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 3 दिसंबर को बुलंदशहर के सियानत थाना क्षेत्र के एक खेत में गोकशी की आशंका के बाद ये बवाल शुरू हुआ, जिसकी शिकायत मिलने पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस मामले में FIR दर्ज की जा रही थी। इतने में 3 गांव से करीब 400 लोगों की भीड़ ट्रैक्टर ट्रॉली में कथित गोवंश के अवशेष भरकर चिंगरावटी पुलिस चौकी के पास पहुंच गई और जाम लगा दिया। इसी दौरान भीड़ जब उग्र हुई तो पुलिस ने काबू पाने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन हिंसा इतनी भड़क गई कि जल्द ही फायरिंग भी होने लगी। इसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार घायल हो गए और एक युवक भी जख्मी हो गया। जैसे ही सुबोध कुमार को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसी दौरान उपद्रवियों ने उनकी वैन पर जमकर पथराव किया और वैन को तहस नहस कर दिया। उत्तेजित हथियारबंद भीड़ ने न सिर्फ पुलिस चौकी में तांडव मचाया बल्कि थाने में वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया और पुलिस ने अब इस मामले में छापेमारी शुरू कर दी है। रात भर पुलिस ने महाव और चिंगरावटी गांव में छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस ने सियाना क्षेत्र से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और साथ ही अभी तक इस मामले में 75 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और 25 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस की कुल 6 टीमों ने 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि पुलिस चश्मदीदों और सामने आई वीडियो तस्वीरों के आधार पर छापेमारी कर रही है। महाव और चिंगरावटी दोनों ही गांव घटनास्थल के नजदीक के गांव हैं। पुलिस के मुताबिक जो 400 से 500 लोगों की भीड़ आई थी वो भी इन्हीं गांव से आई थी। तो वहीं इस मामले पर स्थानीय सांसद भोला सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सोमवार को गाय कटने के कुछ अवशेष बरामद हुए थे, जिसके कारण लोगों में गुस्सा था। यही कारण रहा कि लोगों ने वहां जाम लगाया। आक्रोश हुआ तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। सांसद ने आगे कहा कि इसी दौरान वहां गोली भी चली और एक लड़के और एक पुलिस वाले की मौत हो गई। जो भी घटना हुई है उसके लिए SIT का गठन किया गया है। शहीद पुलिसकर्मी सुबोध कुमार के बेटे अभिषेक का कहना है कि मेरे पिता हमेशा हर धर्म का सम्मान करते थे। वो चाहते थे कि मैं भी अच्छा नागरिक बनूं, जो किसी प्रकार की हिंसा ना करूं। आज मेरे पिता ने हिंदू मुस्लिम के झगड़े में अपनी जान गंवाई है, कल पता नहीं किसके पिता के साथ ऐसा हो जाए। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक SHO सुबोध सिंह के परिवार के 2 बच्चों को 50 लाख रुपए और उनके परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही घटना के बाद से ही गर्माते माहौल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। मोर्चे पर RAF की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। यहाँ आने वाले हर वाहन की जाँच की जा रही है ताकि किसी और तरह से माहौल खराब ना हो पाए। साथ ही हिंसा को इजतमा कार्यक्रम से जोड़ना एकदम गलत है। ऐसी तमाम तरह की खबरों को तुरंत पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।